अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम कि हम लोगों ने 4.2 स्टार्ट किया था। 4.2 जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सोल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फिर उसी फार्मूले के जरिए से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले फार्मूला ए प्लस बी ऑल स्क्वेयर माइनस इंटू ए माइनस बी ऑल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab की इक्वालिटी, ठीक है। अब इसी फार्मूले को देखकर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल क्या कह रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 4ab, फाइंड वैल्यू 4ab। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 की इक्वल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट 16, ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3 की इक्वल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो ये दो क्वेश्चन गिवन है। अब हमने क्या बोल रहे हैं कि आप जो है 4ab फाइंड करना है, ठीक है। ए प्लस बी गिवन है, ए माइनस बी गिवन है, ठीक है। और ए प्लस बी क्वेश्चन नंबर 2 में बी गिवन है और ए माइनस बी बी गिवन है। तो इनको देखकर हम जो है 4ab जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला, हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था, फार्मूला था हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने 4ab का जो वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करूँगा और आपको जो है ए प्लस बी वाला है जो है वो इजी है, वो फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ेंगे, आप लोगों ने उस पर प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या गिवन है, ए प्लस बी माइनस 16 इज इक्वल टू ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 3 है, ठीक है। ये हमें जो है क्वेश्चन है वो गिवन है। अब आप देखिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे सॉल्यूशन, आप यहाँ पे देखिए ए प्लस बी होल स्क्वेयर का ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab की इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी फार्मूले को देखकर हम यही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी किस चीज की इक्वल है, माइनस स्क्वेयर रूट 16 की इक्वल है। यहाँ पे मैं ए प्लस बी की जगह पे क्या लिखूंगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। ये प्लस बी किस चीज की इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है माइनस स्क्वेयर रूट 16 गिवन है, तो ए प्लस बी की जगह पर मैंने वही उसकी वैल्यू जो गिवन है वो वैल्यू लिखा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इसी माइनस को उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी के जगह पे जो है किस चीज की इक्वल है, ए माइनस बी की वो 3 की इक्वल है, तो ए माइनस बी की जगह पे मैंने क्या लिखना है, 3 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि ए माइनस बी जो है वो 3 की इक्वल है, और 3 की इक्वल है तो ए माइनस बी की जगह पर मैंने 3 लिखा इज इक्वल टू इस 4ab को उसी तरह मैं लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वेयर रूट आ रहा है, तो स्क्वेयर रूट को जो है अब हमें इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपने जहन में रखना है, यहाँ पे देखिए स्क्वेयर रूट, ये स्क्वेयर और ये
स्क्वायर रूट जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, लिहाजा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये माइनस है तो माइनस, तो माइनस के ऊपर भी तो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, तो माइनस माइनस आपको पता है कि जब टू टाइम्स माइनस हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, किस चीज़ में चेंज होता है, और प्लस में चेंज होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सिंपल 16 लिखूँगा और माइनस उसी तरह लिखूँगा। अब 3 को जो है टू टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 को जो है आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आया, 19 की इक्वल आया, और यहाँ पर मैं 9 लिखूँगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4ab जब हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 माइनस 9 है, तो ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रैकेट हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है, तो जब हम इन दोनों को, एक 16 माइनस 9 है, जब हम 16 को 16 में से 9 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 16 में से जब हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या बचा, 7 बचा, क्या बचा, 7 बचा, ठीक है, 7 इज इक्वल टू 4ab। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मुझसे मांगा था कि फाइंड वैल्यू ऑफ 4ab, ये 4ab क्या आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, लिहाजा आपने जो है 4ab की वैल्यू फाइंड किया, वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, 7 क्या आया, 7 की इक्वल है, 7 इज इक्वल टू 4ab की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 की इक्वल है, सिंपली a प्लस बी जहाँ पे आ रहे हो उसकी जगह पे आपने 8 जो है लिखना है, और a माइनस बी की जगह पे आपने 5 लिखना है, और इज इक्वल टू 4ab, इन दोनों को आप प्लस और माइनस करें और आपके पास जो है वो सॉल्यूशन आएगी 4ab का। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कम्प्लीट हो गया।